हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ शॉर्ट ट्रिक काली देर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपको दोस्त फादिल खान। आज मैं आपके लिए लाया हूं 12th मैथ पार्ट 2 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और देखते रहिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, ये कुछ डेरीवेशन है, डेरीवेटिव्स और ये एंटी डेरीवेटिव्स यानी मतलब इंटीग्रेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ये वाला फार्मूला जो है एक्स की पावर एन का, यहाँ पर से एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो फ्रेंड्स देखिए, एक्स का डिफरेंशिएशन में एक्स का वन होता है और इसमें वन का एक्स होता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे ये वाला, ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन में साइन एक्स का कॉस एक्स होता है और इसमें कॉस एक्स का साइन एक्स होता है। और देखिए डी अपॉन डी एक्स में साइन एक्स का, इसमें कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है, और इसमें साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है। इसमें टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसमें सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है, ठीक है। इसमें कॉट एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है और कोसेक स्क्वायर एक्स का कॉट माइनस कॉट एक्स होता है, ठीक है। सेक एक्स का सेक एक्स डिफरेंशिएशन सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है और इंटीग्रेशन में सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। और माइनस डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स का डी अपन डी एक्स कोसेक एक्स का होता है कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स फार्मूले ये हैं, आपकी पूरी जिम्मेदारी है, आपको सब एक एक फार्मूला पढ़ लेना है इसको अच्छी तरीके से, क्योंकि ये फार्मूले सभी यूज़फुल हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ बेसिक बारे में बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि देखिए, डिफरेंशिएशन में माइनस के साइन होता है, ठीक है, माइनस के साइन एक्स होता है और इंटीग्रेशन में माइनस के कॉस एक्स होता है। इतनी बात आपको याद रखना है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब आपको मैं एक्सरसाइज 7.1 के बारे में, अब देखिए, जैसे कि अगर मान लें एक्स की पावर 3 का अगर आपसे कोई डिफरेंशिएशन करवाए, तो देखिए डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा, इसका 3 ये पावर नीचे आ जाएगी, 3x की पावर 3 माइनस वन, मतलब 3x की पावर 3 माइनस एक, यानी कितना बचेगा 2, तो 3x की पावर 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर यही अगर आपसे कोई बोले x की पावर q का इंटीग्रेशन करिए, तो आप कैसे करेंगे, एक्स की पावर 3 प्लस वन अपान 3 प्लस वन, तो यानी एक्स की पावर 3 प्लस एक यानी 4 और 3 प्लस एक 4, एक्स की पावर 4, यानी इन दोनों का फार्मूला देखिए क्या होता है। अगर डिफरेंशिएशन का फार्मूला आपसे कोई पूछे, डिफरेंशिएशन एक्स की पावर एन का फार्मूला, तो क्या लिखेंगे आप, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। अगर आपसे कोई इंटीग्रेशन का फार्मूला पूछे, एक्स की पावर एन डी एक्स, तो क्या लिखेंगे आप, एक्स की पावर एन डी एक्स, यानी एक्स की पावर, ये एन जो दिख रही है, एन तो सेम लिख लेंगे ऐसा ही, जैसे ये सेम लिखा है एक्स की पावर एन, देखिए एक्स की पावर एन लिख लिया, लेकिन इसमें एक पावर एक वन जोड़ देंगे और अब हमें हर जो पावर जो होती है बिल्कुल सेम लिख लेते हैं हर में, एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन। तो फ्रेंड्स, अब आपको मैं एक्सरसाइज 7.1 सोल्व करके बताता हूँ पूरी। देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 7.1 में देखिए, कितने क्वेश्चन हैं, 20 और 22 क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स पढ़ते हैं, देखिए, निम्नलिखित पलनों में प्रति अपकलज यानी समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.1 है, ठीक है। अब देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप लोग, साइन टू एक्स, तो साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है, देखिए साइन टू एक्स जो है, हमने बोला था इन डिफरेंशिएशन में माइनस साइन और इंटीग्रेशन में माइनस कॉस, तो इस बात को याद रखना है। तो साइन टू एक्स का कितना हो जाएगा, यानी माइनस कॉस 2x, ठीक है, और ये 2x का भी होगा ये चैन रूल द्वारा, ठीक है। 2x का कितना होता है 1/2, तो यानी इसको फिर सेट कर ले रहे हैं, तो 1/2 कॉस 2x और ये माइनस लग जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है मेरा कॉस 3x, ठीक है, कॉस 3x का है, आप इनके इंटीग्रेशन करवा रहे हैं ये, ठीक है। तो इसको कॉस 3x का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, देखिए
कॉस थ्री एक्स, कॉस थ्री एक्स क्या होता है साइन थ्री एक्स, ठीक है, वो भी प्लस के इंटीग्रेशन है। साइन थ्री एक्स मतलब इंटीग्रेशन में साइन प्लस होता है और कॉस माइनस का होता है, ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन में माइनस साइन माइनस का होता है और कॉस प्लस का होता है। देखिए तो साइन थ्री एक्स का कितना, कॉस थ्री एक्स का कितना हो जाएगा साइन थ्री एक्स, और थ्री एक्स का भी होगा वन अपान थ्री, ठीक है, तो इसे फिर सेट कर ले रहे हैं, वन अपान थ्री साइन थ्री एक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका है ए की पावर टू एक्स, ए की पावर टू एक्स का इसको भी इंटीग्रेट कर देते हैं। देखिए ए की पावर टू एक्स है यानी ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए की पावर एक्स, ठीक है, ए की पावर जैसे ए की पावर एक्स है, ठीक है, इसको अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ए की पावर एक्स हो जाएगा, ए की पावर एक्स प्लस सी, ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो देखिए ई की पावर टू एक्स है यानी ई की पावर टू एक्स है, यह भी यानी इसको भी हम ई की पावर एक्स माने लेना है, ठीक है, तो ई की पावर एक्स यानी ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स और यानी टू एक्स कितना हो जाएगा वन अपान टू, यानी वन अपान ई की पावर टू एक्स अपान टू, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, अब देखिए फोर क्वेश्चन नंबर है एक्स प्लस बी अपान एक्स प्लस बी ओनली, ठीक है, इसकी पावर टू है। तो देखिए ये भी हमने बोला था आपकी एक्स की पावर एन, देखिए अगर हम पूरे इस सिस्टम को एक्स मान लें और ये पावर को एन मान लें, इस पूरे सिस्टम को इस पूरे फंक्शन को एक्स मान लें इसको अगर एन मान लें तो देखिए क्या फार्मूला हो जाएगा इसका, एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, यानी ए एक्स प्लस बी की पावर यानी टू प्लस वन अपान टू प्लस वन बराबर, यानी ए एक्स प्लस बी की पावर कितना हो जाएगी, देखिए ए एक्स प्लस बी की पावर दो प्लस एक तीन बटे तीन, तो इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, अब देखिए अभी इसका उत्तर क्या है, ये क्या है कि एक्स प्लस बी की पावर कितना कर लेंगे, ये वाला क्वेश्चन ए एक्स प्लस बी के बारे में, और उसके बाद देखिए ए एक्स प्लस बी का भी तो करेंगे, ए एक्स प्लस बी का भी तो हमें इंटीग्रेशन करना है, तो यानी ए का कितना हो जाएगा, ए एक्स का कितना हो जाएगा वन अपान ए, ठीक है, और बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा जीरो, ठीक है, तो वन अपान थ्री है, ए एक्स प्लस बी की पावर थ्री अपान थ्री है। क्वेश्चन नंबर फोर को सोल्व कर लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर फोर हो गया सोल्व है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर हो गया, अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन नंबर सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है साइन टू एक्स माइनस के फोर ई की पावर थ्री एक्स, ठीक है, तो आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर फोर है। तो देखिए इसे इसे कर ले रहे हैं, तो इंटीग्रेशन साइन टू एक्स डी एक्स माइनस के फोर बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट नंबर एक बार थ्री एक्स, ठीक है, और डी एक्स, ठीक है, तो देखिए साइन टू एक्स कितना हो जाएगा माइनस कॉस टू एक्स, ठीक है, और टू एक्स कितना हो जाएगा वन अपान टू, उसके बाद अगला देखिए इसको फोर, और इसका देखिए ई की पावर थ्री एक्स का ई की पावर थ्री एक्स, और थ्री एक्स का कितना हो जाएगा वन अपान थ्री, अब देखिए फिर इसको सेट कर लेते हैं पूरे क्वेश्चन को, इंटीग्रेशन हो गया है मेरा, तो वन अपान टू कॉस टू एक्स माइनस के फोर अपान थ्री, फोर अपान थ्री ई की पावर थ्री एक्स, ठीक है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन के पूरे सोल्व हो गए, पांचों के पांचों क्वेश्चन, अब देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए आप, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन फोर ई की पावर थ्री एक्स प्लस वन डी एक्स, छठा नंबर क्वेश्चन है मेरा, देखिए आप लोग फ्रेंड्स फोर ई की पावर थ्री एक्स प्लस वन टू डी एक्स, तो इसे भी जल्दी से बना लेते हैं, क्वेश्चन ईजी है, इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं, ये फोर नंबर है इसको बाहर निकाल लेंगे, ई की पावर थ्री एक्स डी एक्स, ठीक है, और प्लस वन बाहर निकाल लेंगे डी एक्स, तो देखिए फोर, अब ई की पावर थ्री एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे, ई की पावर थ्री एक्स इंटू थ्री एक्स का कर देंगे तो वन अपान थ्री, ठीक है, और प्लस वन इंटू एक्स डी एक्स इसका कर देंगे कितना हो जाएगा एक्स, ठीक है, और एक्स प्लस सी, यानी अब इसको सेट करके लिख देते हैं पूरा, देखिए तो यानी फोर अपान थ्री, फोर अपान थ्री ई की पावर थ्री एक्स और प्लस एक्स प्लस सी। अगला देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन, सातवां नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए अंडर रूट इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान
एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए जब ऐसा सिस्टम है इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन इंटीग्रेट कर नहीं सकते हम, सबसे पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान यानी एक्स स्क्वायर की वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर, और इसकी कितनी हो जाएगी माइनस के वन अपान एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचा एक्स स्क्वायर माइनस के वन इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसको आप इंटीग्रेट कर लेना है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस के वन इंटू डी एक्स। क्या था मेरा, अब देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स कर लेंगे, क्या इंटीग्रेशन एक्स की पावर थ्री अपान एक्स की पावर टू प्लस वन, एक्स पावर टू प्लस वन अपान टू प्लस वन, और इधर कितना हो जाएगा वन का एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस सी यानी एक्स की पावर टू प्लस वन कितना हो जाएगा एक्स की पावर थ्री अपान दो प्लस एक थ्री, दो प्लस एक तीन, और माइनस एक्स एक्स प्लस सी। तो फ्रेंड ये वाला आपको फार्मूला पता होगा, एक्स की पावर एन का आपने बताया था, ये पावर जैसे कि अगर कोई भी नंबर सिस्टम दिया जाता है, एक्स की पावर एन दिया या फिर एक्स की पावर थ्री दिया या फिर एक्स की पावर फोर दिया, तो हम क्या करेंगे इसमें फोर में एक वन जोड़ देंगे, देखो एक्स की पावर फोर सेम लिख के इसमें वन एक जोड़ देंगे और यही पावर एक नीचे लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला लिख लेते हैं आठवां, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। आठवां क्वेश्चन कौन सा है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, कितना डी एक्स। तो देखिए इसको भी इंटीग्रेट कर लेते हैं जल्दी से, देखिए ए बाहर निकाल ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस के प्लस के, बी बाहर निकाल लिया एक्स डी एक्स प्लस सी बाहर निकाल लिया इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ए इंटू एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा एक्स क्यूब अपान थ्री, और प्लस के बी इंटू एक्स का कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान टू, और प्लस सी इंटू इसका वन डी एक्स यानी या एक्स इसका कितना होता है एक्स, यानी आपको फ्रेंड ये तो पता ही होगा एक्स की पावर थ्री कैसे हुआ। देखिए एक्स की पावर टू है यानी इसमें वन जोड़ेंगे तो एक्स की पावर टू प्लस वन यानी वन ए टू प्लस वन यानी थ्री, और अपान टू प्लस वन यानी थ्री, एक्स की पावर थ्री अपान थ्री यानी एक्स की पावर में एक ऐड कर देते हैं और उसकी पावर में बटे में करके वही पावर लिख देते हैं। ठीक है, इजी है, फिलहाल समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब इसको सेट कर लेते हैं, तो कितना लिख रहे हैं एक्स क्यूब अपन थ्री प्लस बी एक्स स्क्वायर अपन टू प्लस सी एक्स प्लस सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट देखते लेते हैं जल्दी से, देखिए क्वेश्चन नंबर एट मेरा है, कौन सा वाला एट तो हो गया है, सॉरी नाइन नंबर, टू एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन है, इंटीग्रेशन टू एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो देखिए टू बाहर निकालेंगे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस ए की पावर इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स और डी एक्स, दोनों को अलग अलग लिख लिया, टू बाहर निकाल लिया एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख लिया, प्लस उसको देखिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे ई की पावर एक्स को, देखिए टू है बाहर रख लिया एक्स एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे कितना हो जाएगा एक्स की पावर पावर में एक ऐड हो जाएगा, तो यही एक्स पावर टू है तो यही एक्स पावर थ्री। ठीक है, यही थ्री नीचे आ जाएगा। ठीक है, और प्लस लिख के ई की पावर एक्स है तो ई की पावर एक्स को इंटीग्रेशन क्या होता है ई की पावर एक्स प्लस सी, यानी इसका आंसर आ जाएगा टू अपॉन थ्री एक्स क्यू प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन देखो नोट कर लेते हैं जल्दी से, नाइन हो गया, टेन क्वेश्चन नंबर, देखिए इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इजी क्वेश्चन है, देखो इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं, सबसे पहले अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके प्लस इसका माइनस टू ए बी, टू इंटू ए इंटू बी, ठीक है, टू
और इंटू ए यानी रूट एक्स, ठीक है, और बी यानी माइनस रूट एक्स, ठीक है। तो अब देखिए इसको होल स्क्वायर खोले ले रहे हैं तो रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, यानी एक्स, ठीक है, एक्स प्लस, अब इसका क्या कर लेंगे, इसके स्क्वायर यानी स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स, और प्लस यानी दो एक दो, यानी माइनस के यहाँ पर है, यहाँ पर ही माइनस 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 प्लस, ठीक है, टू डी एक्स, ठीक है। अब इसको सबको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देते हैं, यानी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वन अपान एक्स डी एक्स प्लस टू इंटू वन डी एक्स, टू इंटू ओनली डी एक्स, ठीक है। अब देखिए एक्स डी एक्स का हमें आपको बताया था इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर यानी वन होती है, तो ये इसकी पावर वन मान ली, तो इसके क्या लिखेंगे, एक्स की पावर वन प्लस वन अपान वन प्लस वन, ठीक है, प्लस और वन अपान एक्स, यानी कितना लॉग एक्स का कितना होता है इंटीग्रेशन वन अपान एक्स, यानी यहाँ कितना वन अपान एक्स का कितना हो जाएगा लॉग एक्स, लॉग वन अपान एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है लॉग एक्स, ठीक है, और प्लस टू इंटू यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन ओनली क्या होता है एक्स होता है प्लस सी, ठीक है। अब इसको सेट कर ले रहे हैं, यानी एक्स के पावर वन प्लस वन कितना होता है एक्स के पावर टू अपान टू, ठीक है, प्लस लॉग एक्स प्लस टू एक्स प्लस सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए एक्स क्यू प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपान एक्स स्क्वायर इन टू डी एक्स। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी, देखिए बिल्कुल डरिए मती, बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा ये भी। देखिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसको कुछ ऐसे तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते, ये हम इसको नीचे इसको लिख लेंगे, ठीक है, अब इसके नीचे भी इसको लिख लेंगे, अब इसके नीचे भी इसको लिख लेंगे, जैसे कि ए प्लस बी अपान सी दिया एग्जाम्पल है, तो हम लिख सकते हैं ए अपान सी प्लस बी अपान सी, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो कोई ये एक के नीचे ऐसे ही मैं इसके नीचे इसको लिख लूँगा, इसके नीचे भी इसके नीचे भी। तो देखिए एक्स क्यू अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस के फोर बाहर निकाल लेंगे कितना हो जाएगा, अब यानी फोर बाहर निकाल लिया यानी वन अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब देखिए यानी एक्स से पावर इसकी एक कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, ये पावर ऊपर पहुंच जाएगी, यानी किसका बचा एक्स की पावर वन डी एक्स प्लस फाइव इंटू डी एक्स और माइनस के फोर इंटू एक्स की पावर माइनस टू, ठीक है, डी एक्स। अब देखिए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, एक्स की पावर यानी वन है, यानी वन प्लस वन, अभी इससे पहले कहा था पावर टू अपन टू प्लस फाइव इंटू ये कितना है एक्स, यानी डी एक्स का कितना हो जाता है एक्स, ठीक है, और प्लस माइनस के, ठीक है, माइनस के फोर इंटू यानी ये एक्स की पावर माइनस टू है, इसे क्या लिखेंगे, देखिए एक्स की पावर हमने बोला था एन प्लस वन, यानी एन ये पावर है और प्लस वन अपान ये पावर ही नीचे सेम लिख लेते हैं प्लस वन, ठीक है, और प्लस सी, तो देखिए एक्स स्क्वायर अपान टू और प्लस फाइव एक्स और फोर है। अब देखिए एक्स की पावर यहाँ कितनी कितनी बचेगी, एक्स की पावर माइनस वन बचेगी और नीचे पावर माइनस वन बचेगी, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर अपान टू प्लस फाइव एक्स स्क्वायर अपान टू प्लस फाइव एक्स, देखिए अब ये कितना हो जाएगा, ये नीचे पावर ये इसकी एक्स की पावर, जैसे कि हम बोलते हैं ऐसे करके वन अपान एक्स, ठीक है, अगर इसकी पावर ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर माइनस वन, ठीक है, तो ऐसे ही इसे क्या लिख सकते हैं वन अपान एक्स लिख सकते हैं। तो देखिए इसको क्या लिख लिया, माइनस 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 कितना हो जाएगा ये वाला प्लस, ठीक है, जो नीचे लेके आएंगे तो वन अपान एक्स और यानी ये वाला फोर जो है ऊपर पहुंच जाएगा प्लस सी। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। देखिए ये वाला माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा फोर, और ये नीचे जब लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। इसमें एक स्टेप मैंने शॉर्ट कर दिया, चाहे आप समझ सकते हैं दोबारा भी। देखिए माइनस फोर इंटू एक्स की पावर माइनस वन अपन माइनस वन है, माइनस वन से माइनस वन कैंसिल तो फोर इंटू एक्स की पावर माइनस वन, तो देखिए फोर ये से नीचे लेंगे तो फोर बटे एक्स हो जाएगा, ठीक है, वैसे वो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। देखिए अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर अगला सोल्व करते हैं, अगला भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इंटीग्रेशन एक्स क्यू
इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 3x + 4 अपॉन अंडर रूट एक्स टू डी एक्स। ठीक है, आपको जो बहुत इजी क्वेश्चन है इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर अभी बैक जो मैंने किया था 11वां नंबर उसी की तरह है, जैसे मैंने इसकी पावर में ये लिया था, इसकी बटे ये लिया था, ये बटे ये लिया था, तो फ्रेंड्स ऐसे ही लेंगे इसको एक्स क्यू बटे अंडर रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, प्लस 3x बटे, ठीक है, इंटीग्रेशन 3x बटे अंडर रूट एक्स डी एक्स प्लस 4 बाहर निकाल देंगे 1 अपन रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो देखिए एक्स क्यू ऐसे ही लिखने रहने दिया, एक्स ये कितना है यानी अंडर रूट को लिख सकते हैं हम एक्स की पावर 1/2। ठीक है, अंडर रूट क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2। ठीक है, अगर कोई भी पावर जब नीचे है बटे में जब ऊपर जाएगी तो एक्स की पावर -1/2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इंटू डी एक्स और प्लस 3 इंटीग्रेशन, ये 3 को तो बाहर निकाले दे रहे हम, 3 को बाहर निकाल दिया, ऊपर ओनली क्या रहने दिया एक्स रहने दिया। ठीक है, और ये अंडर रूट एक्स से ये पहुंच जाएगा ऊपर तो कितना बताएगा, एक्स के बाद इसकी 1 है, ये एक्स के बाद -1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस ये भी देखिए इंटीग्रेशन, अब इसकी एक्स की पावर कितनी है, अंडर रूट है, ये इसे भी ऊपर पहुंचा दे रहा पावर 1/2 करके, तो एक्स की पावर -1/2 डी एक्स। ठीक है, अब इसको सबको इंटीग्रेट कर देते हैं, देखिए अच्छा पावर को भी सॉल्व कर लेते हैं, यानी एक्स की पावर 3 है यहाँ पर, एक्स की पावर -1/2 है, तो आपको यहाँ पर साइड में दिखाते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, यानी एक्स की पावर एक तरफ 3 है इंटू एक्स की पावर एक तरफ -k/2 है, तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो एक्स की पावर 3 -1/2। ठीक है, तो एक्स की पावर 3 × 6 और 1, 6 में तरीका कितना बचा, 5 5/2। ठीक है, अगला ये ऐसे सॉल्व कर लेंगे, यानी एक्स की पावर 1 है, ठीक है, दूसरी का इंटू एक्स की पावर -1/2 है, तो गुलाम घाते जुड़ जाती है, एक्स की पावर 1 -1/2, तो एक्स की पावर कितना, 2 × 2 = 1, यानी 1/2। ठीक है, अगला देखिए वो तो सॉल्व भी है, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं इसको एक्स की पावर 5/2। ठीक है, और डी एक्स और प्लस 3 इंटू इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 डी एक्स और प्लस 4 इंटू एक्स की पावर -1/2 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अब देखिए इसको इंटीग्रेट कर लेंगे पावर के, तो एक्स की पावर 5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए प्लस 3 इंटू, अब देखिए ये वाला इसका इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1। ठीक है, अब प्लस इसको भी देखो सॉल्व कर लेते हैं, 4 इंटू एक्स की पावर -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो देखिए इसको भी जल्दी से लिख लेते हैं, एक्स के बाद देखिए 5 + 5 + 2 = 7, एक्स की पावर 7/2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर, देखिए 1 + 1 = 1 + 2 = 3 3/2 / 3/2 और प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 1 + -1 + 2 = 2 यानी 1/2 एक्स की पावर 1/2 / 1/2 प्लस सी। तो देखिए 2/7, ये 7/2 है, इसे 2/7 लिख लेंगे, 2/7 और एक्स की पावर ये सेम लिख देंगे 7/2 और प्लस देखिए 2, ये 3/2 है, इसे क्या लिख लेंगे ऊपर ले जाने के बाद 2/3 2/3 3/2 है, इसे लिख लेंगे 2/3। अब एक्स की पावर क्या लिख लेंगे 3/3/2 और प्लस ये देखिए ये भी ऊपर पहुंच जाएगा, तो देखिए 4 इंटू अब क्या लिख लेंगे इसे 2/1 एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। तो देखिए यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए ये खाली इतना क्या होता है, 4 × 8 यहाँ पर 4 × 8 = 8 एक्स की पावर 1/2 आपको लिखेगा मिल जाएगा। अब चाहे इसको और भी थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो देखो 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 4 × 8 ठीक है अंडर रूट एक्स, ठीक है 8 √x प्लस सी। देखिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर अगला सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन इंटीग्रेशन सब बहुत इजी हैं और इंटीग्रेशन में आप अपने पूरे पूरे मार्क्स पक्के कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए कौन सा सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 ही बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी। इंटीग्रेशन एक्स क्यू माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स और माइनस वन, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, आप जितनी भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी बार फार्मूले लिखेंगे, जितने भी बार आप क्वेश्चन को लिखेंगे, उतना ही आपको अच्छी प्रैक्टिस होगी।
उतनी आपको अच्छी प्रैक्टिस होगी। देखिए इसको सेट कर लेते हैं वाइस सी, देखिए ऐसे तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते हैं, ये प्लस में दिया तो पावर इसके ये बटे ये और ये बटे ये। तो देखिए थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा माइंड चलाइए, जीनियस वाला माइंड चलाइए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स माइनस वन ठीक है इंटू डी एक्स ठीक है, और प्लस यहाँ पर भी देख लेंगे ये बटे ये ठीक है, इंटीग्रेशन एक्स माइनस वन अपान एक्स माइनस वन ठीक है इंटू डी एक्स ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से इसमें क्या कामन मिल जाएगा हमको, एक्स स्क्वायर कामन मिल जाएगा ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर कामन ले लेंगे तो हमारा एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स माइनस वन बचा। अब देखिए यहाँ पर भी एक्स माइनस वन बचा और इंटू डी एक्स, प्लस यहाँ पर भी देखिए एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया, वन बाय निकाले इंटू डी एक्स ठीक है। अब देखिए ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस यानी ये कितना बचेगा इंटू डी एक्स ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का आपको कई बार करा चुके हैं, एक्स की पावर पावर में सिर्फ एक जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है पावर में सिर्फ एक नंबर जुड़ जाता है, यानी दो है यहाँ पर कितना लिख लेंगे तीन, और देखो ये तीन ही नीचे लिख लेंगे तीन ठीक है, और प्लस यहाँ पर कितना डी एक्स का एक्स प्लस सी। अगर अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्व कर लेते हैं, वो ही बहुत ईजी क्वेश्चन नंबर 14 भी है, इंटीग्रेशन वन माइनस एक्स ठीक है अंडर रूट एक्स और डी एक्स ठीक है। अब देखिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं, यही बहुत ईजी है। अब देखिए इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट तो मैं कर नहीं सकता ऐसे, क्योंकि जब तक इसकी मल्टीप्लाई नहीं हो जाती। तो देखिए सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स अंडर रूट एक्स ठीक है डी एक्स, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। देखिए अंडर रूट एक्स की इससे वन से मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट एक्स और माइनस एक्स अंडर रूट एक्स ठीक है, मल्टीप्लाई कर ली। मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इसको एक्स की पावर अंडर रूट एक्स को अभी बताया था मैंने कि एक्स की पावर अंडर रूट एक्स बराबर क्या होता है, एक्स की पावर वन अपान टू क्या होता है, एक्स की पावर वन अपान टू। देखिए एक्स की पावर क्या होता है वन अपान टू। तो फ्रेंड्स अब देखिए इसको क्या लिख लेंगे, एक्स की पावर वन अपान टू एक्स को लिख लिया इंटू डी एक्स ठीक है, और इसको क्या लिख लेंगे इसे इंटीग्रेशन कर देंगे इसका भी इंटीग्रेशन। अब एक्स की पावर ये कितना है वन ठीक है, अब ये अंडर रूट एक्स जो दिख रहा है इसको क्या लिख लेंगे एक्स की पावर वन अपॉन टू ठीक है इंटू डी एक्स। अब देखिए इसको जब इंटीग्रेट करेंगे संग में एक्स की पावर वन अपॉन टू, तो यानी एक्स की पावर वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन वन अपॉन टू प्लस वन ठीक है, और माइनस के। अब देखिए इसको भी इंटीग्रेट करना है, यानी एक पहले इसको पावर को सोल्व कर लेते हैं थोड़ी सारी। देखिए यानी ये पावर कितनी है एक्स की पावर वन इंटू एक्स की पावर वन अपॉन टू, यानी एक पावर गुणा में घाते जुड़ जाती है, तो यानी एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन टू ऐसी तो, या तो एक्स की पावर थ्री अपॉन टू ठीक है। तो एक्स की पावर थ्री अपॉन टू का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो क्या करेंगे एक्स की पावर थ्री अपॉन टू प्लस वन अपॉन थ्री अपॉन टू प्लस वन ठीक है, और प्लस सी। तो देखिए इसको भी लिख लेंगे एक्स की पावर थ्री अपॉन टू अपॉन थ्री अपॉन टू माइनस के, एक्स की पावर तीन एक तीन दो एक पाँच, पाँच बटे दो बटे पाँच बटे दो प्लस सी। तो फ्रेंड्स अब देखिए हमने बोला था उसको नीचे वाली हर की घाते जो होती हैं उसको हम क्या कर लेते हैं उसको ऊपर लिख लेते हैं अंश में बना के, तो टू एक्स की पावर थ्री अपॉन टू माइनस टू अपॉन फाइव की पावर एक्स की पावर फाइव अपॉन टू प्लस सी। देखिए क्वेश्चन नंबर हम अगला सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इंटू डी एक्स ठीक है। तो इसको भी देखो जल्दी से बना लेते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी है ये भी। सबसे पहले इसकी अंडर रूट एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे इससे सबसे ठीक है। तो देखिए अंडर रूट एक्स यानी है इसकी पावर कितनी होती है, एक्स की पावर वन अपॉन टू है, तो एक्स की पावर वन अपॉन टू इंटू थ्री एक्स की पावर थ्री एक्स स्क्वायर ठीक है, और प्लस यानी एक्स की पावर वन अपॉन टू इंटू टू एक्स ठीक है, और प्लस के एक्स की पावर वन अपॉन टू इंटू थ्री। इतनी बात ये क्लियर हो गई सबकी आपके। अब देखिए पावर हमने बोला गुणा में घाते जुड़ जाती है, देखिए थ्री, अब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स यानी कितना हो जाएगा एक्स की पावर वन अपॉन टू और प्लस टू, यानी इसे क्या लिख लेंगे वन अपॉन टू प्लस टू, यानी वन प्लस दो दो चार एक वन प्लस दो दूना चार एक पाँच, तो यानी थ्री एक्स की पावर पाँच बटे दो ठीक है। अब देखिए प्लस अगला देखें एक्स की पावर टू है, यानी यहाँ पर भी लिख लेंगे टू इंटू एक्स की पावर वन है, यानी एक्स की पावर वन अपॉन टू प्लस वन, यानी एक्स की पावर वन प्लस दो कन दो एक तीन, यानी ये कितना है तीन बटे दो ठीक है। अब अगला देखिए प्लस
यानी 3 × x की पावर 1/2 ये सेम लिख लिया टूडे। अब सबको ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर जैसे 3, 2, 3 इनको बाहर निकाल लेंगे, तो क्या 3 को बाहर निकालेंगे तो x की पावर 5/2 dx का इंटीग्रेशन कर देंगे, प्लस 2 बाहर निकाल लें x की पावर 3/2 dx का इंटीग्रेशन कर दिया, प्लस 3 बाहर निकाल लिया देखिए तो क्या निकालेंगे x की पावर 1/2 dx का इंटीग्रेशन कर दिया, तो देखिए 3 बाहर निकाल लिया इसका इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं, तो x की पावर 5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1 ठीक है, और प्लस 2 × अब x की पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 ठीक है, और प्लस x की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस c। अब देखिए 3 × यानी x की पावर 5 × 5 × 2 = 7, 7/2 प्लस 7/2 देखिए 5 + 2 = 2 तो 7/2 ठीक, 7/2 प्लस 2 × x की पावर 3 + 2 = 2 = 5, 5/2 प्लस 5/2 ठीक है, प्लस 3 × x की पावर 1 + 2 = 2 = 3 यानी 3/2 / 3/2 प्लस c ठीक है। तो देखिए अब हमने आपको 3 × अब ये पावर जो होती है ये वाली ये हर जो है इसकी पावर पलट, ये पलट जाएगी नंबर तो 2/7 हो जाएगा ठीक है, 2/7 x की पावर 7/2 ठीक है, प्लस 2 × ऐसे लिख लिया तो क्या लिख लेंगे 2/5 लिख लेंगे इंटू x की पावर 5/2 प्लस ठीक है, इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमेटर वो हो जाते हैं पलट जाएंगे इसके ठीक है, तो 3 × अब देखो 2/5 देखो ये 2/3/2 इसका लिख लेंगे 2/3 और x की पावर 3/2 प्लस c। अब देखिए इधर इसकी इससे मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, दो 3 × 6 तो 6/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 × 4/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 3 × 3 कैंसिल ठीक है, तो 2 × 3/2 प्लस सी। बहुत इजी क्वेश्चन था, देखिए ये भी क्वेश्चन नंबर अगला सोल्व कर लेते हैं जल्दी से, वीडियो भी काफ़ी लंबी होती जा रही है। देखिए फ्रेंड्स जल्दी से क्वेश्चन नंबर हम कौन सा लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 लिख लेते हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 2x - 3 cos x प्लस ए की पावर x ठीक है इंटू dx। अब देखिए जो नंबर है उनको तो बाहर निकाल देंगे, जैसे 2 बाहर निकाल दे x का इंटीग्रेशन कर दिया ठीक है x dx ठीक है, -3 बाहर निकाल दिया cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ए की पावर x और dx ठीक है। अब देखिए 2 × x का कितना हो जाएगा x की पावर 2/2 और -3 × cos x का कितना होता sin x 3 sin x प्लस ए की पावर x प्लus c, दो से दो कैंसिल x²-3 sin x प्लस ए की पावर x प्लस c। 70वां क्वेश्चन लगा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 ही बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 17 है 2x²-3 sin x प्लस 5√x ठीक है, कुछ थोड़ा सा दिमाग चाहिए इसमें क्या करा जाएगा, तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल एकदम सीधा सीधा जैसे ये भी 16 लगा था ऐसे यहाँ पर भी 2 बाहर निकाल लेंगे ठीक है, 2 बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकालने के बाद इसको इसका क्या करेंगे x² का इंटीग्रेशन कर देंगे x²dx माइनस के 3 बाहर निकाल लेंगे sin x dx ठीक है, प्लस 5 बाहर निकाल लें अंडर रूट ये दिख रहा है अंडर रूट x है यानी इसको क्या लिख लेंगे x के बाद पावर 1/2 dx ठीक है, यानी देखिए 2 अब इंटू x की पावर x 3/3 यानी हमने बोला था इसमें पावर में ऐड हो जाता है 3/3 माइनस के, अब 3 sin x है, sin x का कितना होता है इंटीग्रेशन -cos x होता है ठीक है, -, प्लस हो जाएगा 3 cos x ठीक है, और प्लस के 5 × ये x की पावर 1/2 जो दिख रही है आपको है, देखिए 1/2 + 1 यानी 1/2 + 1 यानी इसके ऊपर 3/2 यानी हम चलो लिख के देते हैं x की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1 ठीक है, यानी 2/3 x की पावर 3 ठीक है, और प्लस के 3 cos x और प्लस के देखिए अब यानी कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं x की पावर 1/2 + 1 यानी 3/2 / 3/2 ठीक है, अब ये 5 दिया है यहीं पर, तो ये नंबर जो है बोला था ये वाली ये ऊपर हर का अंश हो जाता, हर का अंश का हर हो जाता, तो 2/3 x की पावर 3/2 यानी 5 × 10 10/3 x की पावर 3/2 ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिख लेंगे 10/3 x की पावर 3/2
तो देखिए अगला स्टेप देखिए, 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन ही बहुत इजी है। अब देखिए 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है sec x इंटीग्रेशन sec x इंटू sec x प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो देखिए sec x किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x डी एक्स इंटीग्रेशन, और प्लस इंटीग्रेशन क्या कर लेंगे, यहीं पर से डायरेक्ट ले रहे हैं, चलिए डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसकी पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, sec स्क्वायर x डी एक्स और प्लस इंटू प्लस लगा के क्या लिख लेंगे, sec स्क्वायर x sec की sec से गुणा sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू टेन एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स। अब देखिए sec स्क्वायर x डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन लगा sec x इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए sec स्क्वायर x कितना होता है टेन एक्स, ठीक है sec स्क्वायर x कितना टेन एक्स, और प्लस sec x इंटू टेन एक्स कितना होता है sec x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखना, क्वेश्चन नंबर 19 है sec स्क्वायर x अपान cosec स्क्वायर x डी एक्स। ठीक है, तो बहुत इजी है, सबसे पहले इसे sec स्क्वायर x को तोड़ लेंगे कहाँ में, वन अपान cos स्क्वायर x में। ठीक है, और इसे तोड़ लेंगे वन अपान sin स्क्वायर x में इंटू डी एक्स। अब देखिए ये वाला ऊपर पहुंच जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स का तो हमें इंटीग्रेशन मालूम नहीं, तो टेन स्क्वायर एक्स को तोड़ लेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है, sec स्क्वायर माइनस वन, हम sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो देखिए sec स्क्वायर एक्स को लिख लेंगे हम यहीं पर ले जाके sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस के वन इंटू डी एक्स। ठीक है, sec स्क्वायर एक्स का खूब पता हमें टेन एक्स होता है। ठीक है, और खूब वन का भी पता हमें क्या, डी एक्स का पता एक्स होता है प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है टू माइनस थ्री इंटीग्रेशन टू माइनस थ्री साइन एक्स टू माइनस थ्री साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो देखिए इसको भी बहुत इजी है, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बटे में लिख लेंगे सबसे पहले इंटीग्रेशन टू अपान कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस के थ्री इंटीग्रेशन थ्री साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब करेंगे क्या, देखिए टू को तो बाहर निकाल लेंगे, कॉस वन अपान कॉस स्क्वायर एक्स क्या लिख लेंगे sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, माइनस के थ्री बाहर निकाल लेंगे, देखिए साइन एक्स अपान कॉस एक्स, साइन एक्स अपान कॉस एक्स कितना होता है टेन एक्स, यानी यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी यहाँ पर जो है इसे हम ऐसे करके लिख सकते हैं, देखिए नहीं लिख सकते हैं, साइन एक्स अपान कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स नहीं लिख सकते हैं, देखिए इसे ऐसा करके लिख सकते हैं, तो साइन एक्स अपन कॉस एक्स टेन एक्स। ठीक है, और वन अपन कॉस एक्स कितना हो जाएगा सेक एक्स डी एक्स। देखिए अब सेक स्क्वायर एक्स का आपको पता है टेन एक्स अभी इससे करा आपने, ठीक है, और माइनस और टेन एक्स इंटू सेक एक्स का भी करा आपने सेक एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आप, एक्सरसाइज पूरी लग गई है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंडर रूट एक्स प्लस वन अपान एक्स का प्रति अवकलज आए। ठीक है, तो सॉल्व करके जल्दी से ये भी बता देते हैं आपको, हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए अंडर रूट एक्स प्लस वन अपान अंडर रूट एक्स, ठीक है यही तो क्वेश्चन है, तो देखिए अंडर रूट एक्स डी एक्स का इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करके एक्स की अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स के पावर वन अपान टू, ठीक है, डी एक्स प्लस, अब देखिए और वन अपान अंडर रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, यही तो हमें लिखना है। देखिए अब x की पावर इसका क्या लिख सकते हैं, x की पावर वन अपान टू प्लस वन अपान वन अपान टू प्लस वन। ठीक है, और प्लस अब इसको क्या कर लेंगे, x की पावर ये वन, x की पावर वन अपान टू है अंडर रूट है, तो इसको x की पावर वन अपान टू को जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस वन अपान टू डी एक्स। ठीक है, तो अब देखिए अब ये कितना हो जाए, x की पावर यानी x की पावर कितना हो जाए, थ्री अपान टू अपान थ्री अपान टू, और प्लस यानी वन प्लस दो एक दो एक तीन, तीन बटे दो, तीन बटे दो। ठीक है, और प्लस एक्स की पावर ये वाला कितना हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस वन पॉइंट टू प्लस वन, यानी एक्स की पावर
1/2 / 1/2 प्लस सी। ठीक है, आप देखिए ये वाले नंबर हम पलट दे रहे हैं, तो 2/3 x^3/2 और प्लस 1/2 x^1/2, यानी ये वाला इसमें उत्तर आप ढूंढे लेते हैं, 2/3 x^3/2 प्लस 2x^1/2, यानी उत्तर सी नंबर सही है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यदि एफ यदि d/dx(fx)=(4x³+-3/4x^4), ठीक है, तो जिसमें f2=0 तो fx है, ठीक है, आपको बताना है क्वेश्चन, ठीक है आपका। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, इंटीग्रेशन दिया करने के लिए आपको 4x³(3/x^4), ठीक है, dx। तो अब देखिए यानी 4 को हम बाहर निकाल ले रहे हैं, ठीक है, x³, ठीक है, x³ dx माइनस के, अब 3 है यानी 1/x^4 dx। अब देखिए ये बात समझ में आई, यानी 4 मैंने कांस्टेंट नंबर है या बाहर निकाली x³ dx लिख लिया, ठीक है, 3 नंबर बाहर निकाली x^4 dx लिख लिया, यानी 4। अब देखिए इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो x³+3+1/3+1, ठीक है, और माइनस, अब ये x^-4 हो जाएगा, ये ऊपर पावर ऊपर जाएगा तो ये माइनस के हो जाएगी, ठीक है, तो यानी 4 × अब देखिए x^ यानी 4/4 माइनस के 3 × अब ये क्या कर लेंगे, x^-4+1/-4+1, तो यानी ये 4 से ये 4 कैंसिल, तो x^-4 - 3 × x^ यानी -4+1 यानी x^ कितना हो जाएगा, -3 / -3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो x^4 और माइनस के x^3, ठीक है, तो यदि x^4 और ये x^3 जब नीचे लेंगे तो x^+3 हो जाएगा, तो इसका x^3 आ गया, ये आ गया इतना। अब देखिए देखिए ये कितना हो जाएगा, यानी माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो यानी 1/+ हो जाएगा, ठीक है, ये वाला प्लस आ जाएगा। अब देखिए कितना तुम्हें गिवन दिया है, यानी गिवन दिया है f2=0 देन, तो एफ एक्स की वैल्यू याद करना है तुम्हें, यानी यहाँ पर एफ एक्स में दिख रहा है, यहाँ पर एफ एक्स जो है पर एक्स की जगह कितना रखना है, 2 रखना है, यानी 2^4 और प्लस 1/ कितना हो जाएगा, c = लेग चलेंगे, ठीक है, ये वाला, तो c बराबर जब लेग चलेंगे तो 2^4, देखो अब यहाँ पर x दिख रहा है, ये x की जगह हमने क्या रखा, 2 रख दिया, ये वाला, ठीक है, 2 रख दिया, तो 2^4 और प्लस 1/2^3, ठीक है, तो c = कितना हो जाएगा, 2 × 4 × 8 × 16 और प्लस 1/4 × 8। अब देखिए c बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, तो c बराबर यानी 16/8 128 और प्लस 1/8, तो c बराबर 128 प्लस 1/29/8, तो c की वैल्यू कितनी निकली आई, 129/8, यानी यहाँ पर c जो दिख रहा है आपको, तो हम कितनी रख लेंगे, x^4 + 1/x³ और प्लस 129/8। तो फ्रेंड्स एक्सरसाइज फिनिश हो गई है, ये वाली मैं 7.2 का सोल्यूशन डालूंगा। देखिए एक बार ये वाला उसका आंसर मैच कर लेते हैं, x^4 + x^3 + 129/8, देखिए x^4 + x^1/x³ + 129/8, यानी इसका उत्तर भी आ गया फ्रेंड, इसमें क्वेश्चन नंबर सी सही है। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स मेरे चैनल के ऊपर आपको 10th और 12th की फुल मैथ की प्रिपरेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।